पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर। बागपत से बड़ी खबर है, हिस्ट्री शीटर धर्मेंद्र किरथल की संपत्ति कुर्क की गई है। करोड़ों रुपए की संपत्ति आज कुर्क होगी। प्रशासन की टीम पहुंची हुई है धर्मेंद्र किरथल के गांव। रमाला के किरथल गांव का रहने वाला है हिस्ट्री शीटर धर्मेंद्र। तो बड़ी खबर आपको बागपत से बता रहे हैं, हिस्ट्री शीटर पर कार्यवाही की जा रही है, संपत्ति कुर्क होगी। हिस्ट्री शीटर धर्मेंद्र किरथल की करोड़ों रुपए की संपत्ति की कुर्क करने की कार्रवाई के लिए प्रशासन की टीम पहुंची हुई है किरथल के गांव। और रमाला के किरथल गांव का रहने वाला है हिस्ट्री शीटर धर्मेंद्र, जिसकी संपत्ति कुर्क की कार्रवाई चल रही है। सचिन त्यागी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है तमाम जानकारी के साथ। सचिन, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले से जुड़ा आपके पास? अरे देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, बागपत जनपद के हिस्ट्री शीटर बदमाश रहे हैं धर्मेंद्र किरथल। हालांकि उन पर अब फिलहाल मैं कोई ऐसा मुकदमा नहीं है जिस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन उनकी बेनामी संपत्ति को लेकर प्रशासन कहीं ना कहीं गंभीर है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश आए हैं, जो भी बेनामी संपत्ति है उन पर कार्रवाई हो, तो उसी के चलते बागपत प्रशासन ने भी कड़ी कार्रवाई की है, जिसके चलते पहले धर्मेंद्र किरथल की संपत्ति का ब्यौरा जुटाया गया और उसके बाद करोड़ों रुपए की ऐसी संपत्ति मिली है जो बेनामी है और अवैध तरीके से अर्जित की गई है, क्योंकि धर्मेंद्र किरथल पर लूट हत्याओं जैसे संगीन मामले दर्ज रहे हैं और उसके बाद ये बेनामी संपत्ति अर्जित की गई थी। तो प्रशासन ने इसकी सारी संपत्ति पर अब कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। इससे पहले जो है सुनील राठी की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई की गई थी और धर्मेंद्र किरथल की कुर्की की जा रही है, उसके गांव पुलिस पहुंची है, पूरा प्रशासन अमला वहां पर मौजूद है और उसकी संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई चल रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।